Assalamu alaikum wabarakatuh, my dear students of class 10th. Hope that you are all okay. Our today's topic is a poem. The name of the poem is Miraculous. First of all, we must know what miraculous mean. Miraculous means an unusual event. Or एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट तो उर्ददू में हम उसको बोलते हैं मोज़ा कोई मोज़ा द पोइम इज कम्पोज बाई वाल्ट विट मैन फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी मस्ट नो द दथर आई विल गिव यू सम ब्रीफ Introduction about the author Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet, essayist, journalist, and humanist. He was born on May 31, 1819, and died. In March 26, 1892. Whitman is considered to be the most influential poet in the American canon, often called the father of free verse. During his lifetime or during his writing, his work remained controversial, particularly his poetry collection, Leaves of Gross. He is often called the father of free verse. Whitman worked as a journalist, teacher, government clerk, and volunteer nurse. During the American Civil War. In addition to publishing his poetry, early in his career he also produced a temperance novel, Franklin Evans, 1842. Whitman's major work, Leaves of Gross, was published. In 1855, with his own money, the work was an attempt at reaching out to the common person with an American epic. He continued expanding and revising it until his death in 1892. Walt Whitman has composed a number of poems. Particularly, leaves of grass, song of myself, occupation, my occupation, I sing the body electric. After a stroke towards the end of his life, he moved to Camden. He died there, New Jersey, where his uh, health further declined his he died at the age of 72 and his funeral became a public spectacle to uske uska jo kafan dafan हुआ वो एक अवामी तमाशा बन गया इसमें तमाम बहुत सारे लोग शामिल थे सब लोगों ने उसकी इस रस्म में हिस्सा लिया उसको परफॉर्म किया सिबलिंग्स ऑफ वॉल्ट विटमैन जॉर्ज वाशिंगटन विटमैन थॉमस जेफरसन विटमैन हैना लोइज़ा विटमैन So, this is the introduction about the poet Walt Whitman. The poet has composed the poem Miraculous, which is a long poem, it is an epic. In this poem, Whitman presents टू अस ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेराकल तो मेराकल्स जो हैं वो बहुत कस्म के होते हैं या हम उसको उनको मौजदा कहते हैं तो जो ये सारी कायनत हैं जिसको अल्लाह ताली ने पैदा किया है हम बहुत सारी चीज़ों को इस कायनत में देखते हैं तो अगर हम गौर करें हमारे आस पास जो चीज़ें हैं वो सब मेराकल्स हैं वो अल्लाह के पैदा करदा वो ईजात हैं तो हमारे जो आस पास पहाड़ हैं जो पानी है जो दरख्त हैं जो मकाना हैं ये आ, ये सारे मेराकल्स हैं ही ड्रॉज दरैकल्स फ्राम एवरीडे लाइफ तो विटमेन जो है उसका एक मख्तलफ़ सोच है मेराकल्स के बारे में तो मेराकल्स तो बहुत सारे हैं वो अपने मेराकल्स को अपने वो को अपने रोज़मर्रा की जो उसकी ज़िंदगी है उसमें से वो खींचता है उनको बयान करता है द पीपल एंड सिटी लाइफ और फुल ऑफ मेराकल्स ये इसका थीम है पोइम का जो लोग हैं और जो शहरी ज़िंदगी है जिसमें लोग रहते हैं ये सब मेरेकल्स हैं नेचर इट सेल्फ़ इज़ एन एम्बलम ऑफ मेरेकल्स तो कुदरत जो है ये भी ख़ुद एक अजूबा है द्रिएशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हॉनी बीज तो हॉनी बीज जो शहाद की मक्खियाँ हैं जो शहाद बनाती हैं बहुत अच्छी चीज़ है तो उनका पैदा करना उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके जो काम हैं जो उनका वो कारनामे जो उनके होते हैं वो सब मेराकल्स हैं एनिमल्स जो हैं जो, जो हैवानत हैं जिनको हम आसपास देखते हैं फिशेस, मछलियाँ जो हैं वेव्स समुद्र में जो लहरें उठती हैं रॉक्स जो चट्टान हैं सन एंड द मून आर मेराकल्स तो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं आफ्ताब है, आफ है सूरज है ये चांद है मछलियाँ हैं जो पानी में तैरती हैं तो ये सब अल्लाह के वजूबे हैं तो इन कल हम पाइम को स्टडी करेंगे आज हमने मेरेकल के बारे में और जो ऑथर है इसका वॉल्ट विटमैन उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की इन शह टमारो वी विल गो थ्रू द पाइम एंड सी आ, What miracles are, according to the views of Walt Whitman, and we will—I will try to make you understand what miracles are and what Walt Whitman says about uh, miracles. Thank you.